हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेन एडवांटेज ऑफ ए स्टील मेंबर इज दैट इज, तो इसके इसका फर्स्ट ऑप्शन हैज़ हाई स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग लाइफ, बी ऑप्शन कैन रिप्लेस्ड ईजली, कैन बी रिप्लेस्ड ईजली, थर्ड ऑप्शन है इज वाटर टाइट एंड गैस लीक प्रूफ, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या आंसर होगा? तो स्टील का मेन एडवांटेज क्या होता है इसमें से? देखो, स्टील जो होती है हाई स्ट्रेंथ होती है, लॉन्ग लाइफ होती है और उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी सही है। वाटर टाइट होती है एंड गैस लीक प्रूफ होती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मेन, अब इसका मेन एडवांटेज पूछा है, ये सब तो होते हैं, मेन एडवांटेज होता है इसका हैज़ हाई स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग लाइफ। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है वेट ऑफ स्टील पर क्यूबिक मीटर इज टेकन टू बी, तो स्टील का जो पर यूनिट वेट होता है वो कितना होता है? तो 7,850 होता ना, 7,000 कितना होता है? 7,850 केजी पर मीटर क्यू, इतना होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा है? इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 7,900 केजी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर्स आर, स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग लोड टू द स्ट्रक्चर, यानी लोड को सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफ़र करती हैं। सेकंड ऑप्शन यूज टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड एंड मूवमेंट, इनका प्रयोग एक्सटर्नल लोड और मूवमेंट को प्रतिरोधित करने में किया जाता है। थर्ड ऑप्शन मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग फोर्सेस एंड मूवमेंट ओनली, ये फोर्स और मूवमेंट को ही ट्रांसफ़र करती हैं, इसका मतलब ये है। ठीक, तो थर्ड का क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट? थर्ड का हो जाएगा द स्ट्रक्चर्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग फोर्स एंड मूवमेंट ओनली, तो लोड और मूवमेंट को ही ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक, थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका व्हेन विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ, जब चौड़ाई और मोटाई किसी भी संरचना की उसकी लंबाई की अपेक्षा कम हो तो उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो उसे, यानी चौड़ाई और मोटाई किसी भी स्ट्रक्चर की अगर लेंथ की अपेक्षा कम है तो उसे वन डायमेंशनल कहेंगे। ठीक है, यानी अब जैसे कोई भी आइटम्स आपका होता है तो उसकी लेंथ तो ज़्यादा है लेकिन मोटाई चौड़ाई बहुत कम है, तो उसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिजिड कर्व सरफेस आर नोन एज, तो रिजिड कर्व के द्वारा कौन सी स्ट्रक्चर बनाई जाती है? तो रिजिड कर्व के द्वारा हमारा सेल स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं, जैसे ये बनती है ना, ऐसे करके बेलन से जो खोल बनते हैं ऐसे करके, तो ये आपकी क्या होती है? सेल स्ट्रक्चर। जैसे आपने सेकेंड ईयर में सोम में पढ़ा होगा हूप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कंप्रेशन का पहला ही टॉपिक मैंने पढ़ाया था तुम्हें, वही क्वेश्चन है। तो सिक्स क्वेश्चन है, ए स्ट्रट इज ए, स्ट्रट क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर होता है, टॉर्जन मेंबर होता है, फ्लेक्सिबल मेंबर होता है या टेंशन मेंबर होता है? तो स्ट्रट जो होता है कॉलम, तो कॉलम के कंप्रेशन मेंबर होता है। कंप्रेशन मेंबर के कितने एग्जांपल होते हैं? एक तो होता है आपका कॉलम और एक होता है आपका स्ट्रट, ये दो एग्जांपल होते हैं। तो स्ट्रट के बारे में पूछा है, स्ट्रट कैसा मेंबर है? कंप्रेशन मेंबर। इसके बाद आपके लिए सातवां क्वेश्चन है, ठीक, ये टाई इज, टाई कौन सा मेंबर होता है? तो कॉलम और स्ट्रट जो होते हैं वो कंप्रेशन मेंबर होते हैं, टाई जो होता है वो क्या होता है? टेंशन मेंबर। टाई क्या होता है? जैसे आपने ये ट्रस बनाते हैं जब हम, तो ऐसे, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये टाई बीम कहलाता है, यही होता है टाइज। ठीक, आठवां क्वेश्चन है आपका, द डेंसिटी ऑफ स्टील यूज इन द स्ट्रक्चर मेंबर शुड बी, तो डेंसिटी पूछिए स्टील की,
द डेंसिटी ऑफ ए स्टील यूज इन द स्ट्रक्चर मेम्बर शुड बी, तो स्ट्रक्चर मेम्बर में जो स्टील यूज़ की जाती है उसका डेंसिटी क्या है, 7850 बोला था तो 7901 ग्राम में चेंज कर दिया, वही आंसर होगा इसका 7.9। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज इन माइल्ड स्टील सेक्शंस रेंज इन बिटवीन द, तो देखो ये क्वेश्चन कई बार UPSC JEE 2016 में भी आ चुका है, ये JEE के टेस्ट में और SSC JEE में भी पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा 9 का आंसर क्या होगा, सी 4200 से 5400 होती है, ये मैंने आपको नोट पॉइंट में भी बताया था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन नंबर 10, डी लाइव लोड ऑन ए फ्लोर ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी लेस देन, यानी फ्लोर पर लाइव लोड या किसी भी प्रकार की स्ट्रक्चर होती है आपकी तो उसके फ्लोर पर लाइव लोड कितने से कम नहीं होना चाहिए, या कम नहीं रखते हैं, कितने से कम नहीं होना चाहिए, कितने से कम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना कितने से कम नहीं हो सकता, तो वो होता है फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट 200 kg/m². अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ईजली ऑन माइल्ड स्टील। ठीक, तो देखो स्टील पर ड्रिलिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, पंचिंग कर सकते हैं, लेकिन हार्डनिंग नहीं कर सकते क्योंकि माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन फॉर माइल्ड स्टील इज, देखो मैंने आपको ये कितनी बार टेबल में कराया है, टेबल में देख लेना, एलोंगेशन जो होता है माइल्ड स्टील के लिए वो 23% होता है, टेबल में देखना 23% के एफ ये होता है तुम्हारा एफ ई 250 डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी तीन टाइप का होता है, तो उसमें सब में क्या होता है 23% होता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों 12वां और 13वां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील में परसेंट ऑफ कार्बन कितना होता है, और ये मैंने आपको कितनी बार लिखाया है, बार बार पूछता हूँ, इसका फर्स्ट आंसर है 0.20 से 0.27%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर चौदह में क्या कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन स्ट्रक्चरल स्टील इज रिस्ट्रिक्ट टू, यानी सल्फर की परसेंटेज कितनी होती है, सल्फर की परसेंटेज आपकी टेबल में दे रखी है देखना 0.055। ठीक है, होता ना होता 50 55 45 60, देखना उसमें, इसका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट 0.055। अगला क्वेश्चन, द जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड बेब ऑफ द बीम इज नोन एज, ठीक, इसका देखो ये हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारी बीम होती है ऐसे आई सेक्शन वाली बीम मान लो, है ना, बीम है ये, तो ये ऊपर वाली आपकी फ्लैंज है और ये आपकी बेब है बीच वाली, ठीक है, तो बेब और फ्लैंज के जंक्शन पर जो आपका ये जोड़ है ये कैसा है 90 एंगल पर, जब एक के ऊपर मतलब जब मैंने लैप जोड़ ये वेल्ड द्वारा जुड़ा हुआ है तो वेल्ड में क्या होता है, एक ऐसे करके हमने एक कोई मेंबर जोड़ दिया यूँ करके और यहाँ पे वेल्ड कर दी, तो ये क्या है 90 के एंगल पर है, जब कोई उपांग हमें समकोण पर जोड़ना हो तब हम ब्लेड वेल्ड करते हैं ना, तो आप क्या करोगे, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा द जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड बेब ऑफ द बीम इज नोन एज फ्लिट, इसको क्या जानते हैं, फ्लिट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, ये चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, अब बताइए चैनल सेक्शन कैसे बनती है, देखो चैनल सेक्शन ऐसे बनती है, अब इसी से आंसर निकलेगा इसका, ये कह रहा है टू वेव, तो इसमें ध्यान रखना ये जो है एक है वेव और ये दोनों क्या हैं दो फ्लैंज, ठीक, तो इसमें दो फ्लैंज होती हैं एक वेव होती है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया डी 1 वेव एंड 2 फ्लैंज। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
ए पीस ऑफ राउंड स्टील फोर्स्ड इन प्लेस टू कनेक्टेड टू और मोर स्टील मेंबर इज नोन एज। ये कह रहा है कि एक राउंड स्टील का पीस है, उसे फोर्ज करके कनेक्टेड किया गया है दो या दो से अधिक स्टील मेंबरों के साथ, तो उसे क्या कहते हैं? उसे रिवेट कहेंगे। रिवेट ही तो एक ऐसी चीज़ है जो दो या दो से अधिक मेंबरों को जोड़ सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18। द साइज ऑफ रिवेट इज एक्सप्रेस्ड बाय द, तो रिवेट का जो साइज होता है ये आपकी रिवेट बन गई। अब ये रिवेट जो होती है तो ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है? मैंने आपको लिखाया था द साइज ऑफ रिवेट इज एक्सप्रेस्ड बाय द डाया ऑफ सेंक, यानी ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का जो डाया होता है, ये डाया होता है, इस डाया के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट की जाती है। तो डाया ऑफ सेंक इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द हॉट ड्रिवन रिवेट्स आर, तो जो हॉट रिवेट होती हैं वो कैसे ड्राइव की जाती हैं, मतलब वो कैसी होती हैं? द हॉट ड्रिवन रिवेट्स आर, तो पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट। तो इसका आंसर क्या होगा? इस ये जो होती हैं हॉट ड्रिवन रिवेट जो होती हैं ये फील्ड में भी होती हैं, सॉफ्ट में भी होती हैं और हैंड द्वारा भी होती हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिवेट्स विच आर ड्रिवन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आर नोन एज, ये कह रहा है कि वायुमंडलीय ताप पर जो रिवेट ड्राइव की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वायुमंडल ताप पर जो ड्राइव की जाती हैं उनको क्या कहते हैं? कोल्ड ड्रिवन रिवेट, ठंडी अवस्था में होती है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिवेट हेड इज, ये मैंने आपको बताया था, ध्यान करो, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिवेट का हेड वो कौन सा होता है? स्नैप हेड, जो हमने भी रिवेट बनाया था ना उसका जो हेड था ये वाला, ये स्नैप हेड ही होता है। ये क्या है? हेड, ये होता है सेंक। ठीक, इसके बाद 22 क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स द डायमीटर ऑफ हॉट ड्रिवन रिवेट्स इज, अब ये कह रहा है कि स्टील वर्क संरचनात्मक इस्पात कार्य के लिए हॉट ड्रिवन रिवेट्स का व्यास होता है, तो हॉट ड्रिवन का कितना होता है? मैंने आपको बताया था 16 से 22 होता है। ठीक, 16 से 22, तो इसमें क्या है? 16 भी है 18 भी है 20 भी है 22 भी है। तो आप ध्यान रखना कि हॉट ड्रिवन का कितना होता है, 16 से 22 mm। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 23 क्वेश्चन नंबर, द डायमीटर ऑफ कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स रेंज फ्रॉम द, तो इसका तो ऊपर वाले का 16 से 22 होता था हॉट ड्रिवन का, इसका क्या होता है? इसका ध्यान रखना, इसका होता है 12 से 22। इसका क्या हो जाएगा? 12 से 22। अच्छा, स्नैप हेड ऑफ ए रिवेट कैन ऑल्सो बी टर्म एज, ये 24 क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि स्नैप हेड जो होता है आपका, स्नैप हेड ऑफ ए रिवेट कैन ऑल्सो बी टर्म एज, तो ये स्नैप हेड अभी मैंने जो बनाया था वो कैसा होता है? तो इसका आंसर आप बताइए। देखो, ये राउंड हेड भी होता है, राउंड हेड को बटन हेड भी बोलते हैं, जो अभी मैंने बनाया था ऐसे करके, ये जो रिवेट बनाया था ना ये वाला, इसको राउंड हेड बोलते हैं और इसी को बटन हेड भी बोलते हैं, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन एक संग दो तो लगा नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड वी आर करेक्ट। ठीक।
अगला क्वेश्चन आपका वाइल रिपीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर, मतलब जब किस संरचना के किसी अवयव विभिन्न प्रकार के अवयवों में रिपीटिंग की जाती है तब इफ फ्लश सरफेस इज रिक्वायर्ड, तो फ्लश सरफेस इज रिक्वायर्ड ऑन द स्ट्रक्चर मेंबर, संरचनात्मक अवयव के लिए जो फ्लश सरफेस रिक्वायर्ड होता है तब देन द रिबिट यूज विल बी ऑफ द टाइप ऑफ, तब रिबिट कौन सी यूज़ की जाती है बताइए, तब रिबिट है ना काउंटर संक हेड वाली यूज़ की जाएगी, कौन सी काउंटर संक हेड, काउंटर संक हेड। 26 क्वेश्चन नंबर द इफ द डायमीटर ऑफ रिबिट बॉडी इज डी देन द डायमीटर ऑफ स्नैप हेड और पेन हेड विल बी, तो ये आपके फिगर बन रहे हैं चैप्टर में, उन फिगरों में आपका डाया भी दे रखा है, अगर रिबिट बॉडी का डाया डी है तो उसके स्नैप हेड और पेन हेड का डाया कितना होगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, इसका आंसर आपको हो जाएगा 1.60। अभी आज ही घर पर देखें किताब खोलकर। क्वेश्चन नंबर 27 फॉर द डायमीटर ऑफ रिबिट अप टू 25 mm द डायमीटर ऑफ रिबिट होल इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिबिट बाई द, तो मैंने आपको लिखाया था क्या जब फाई का मान लेस देन इक्वल टू 25 mm हो तो हम डी कैसे निकालते हैं, तो हम डी निकालते हैं डी बराबर फाई प्लस 1.5 mm, यानी 1.5 mm जोड़ देते हैं, जब 25 से ज़्यादा होता है डाया ऑफ सेंक का मान तो हम डी कैसे निकालोगे, तो डी बराबर फाई प्लस 2.2 mm, यानी 2 mm हम जब जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 अप टू यानी 25 तक है, ठीक है, ये 25 तक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा और इनके आंसर आप एक कॉपी में वन लाइनर के थ्रू इनके आंसर इनके सामने लिख लेना और उसको 2-3 बार लर्न करना, तो आपको एग्ज़ाम देने देते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इन्हें नोट ज़रूर कर लेना, ओके।